हाई गाइज़ वेलकम टू एग्जाम आयर है आई होपल डूइंग ग्रेट तो मैं पहले ही डिस्कलेमर दे दूँ आज मैं अपने घर पर बैठ कर लाइव कर रही हूँ बिकॉज जो स्टूडियो है वहाँ पर लाइट पहुँच जा रही है और जो बैकअप था इन्वर्टर था वो चल नहीं रहा है तो लाइव करते करते कनेक्शन ना टूट जाए इसलिए घर बैठ कर लाइव कर रही हूँ अगर बेल बच जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो मैं उठ कर नहीं जाऊँगी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी बट तुम अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस और हाँ आज पाँच बजे तुम्हें पता ही क्या आज फाइव पी पे पर एम का टेस्ट होगा एम का टेस्ट होने वाला है तो वो ज़रूर अटेंड करना उसका यू नो you know, लाइव मैंने लिंक जो होता है वो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है ठीक है बस मैं एक बार ही चेक कर लूँ कि मैं लाइव हूँ या नहीं ऐसा ना हो कि मैं बोल बोल कर अपना गला सुखा लूँ और बाद में पता चले कि लाइव तो चला ही नहीं था और तो इतनी आराम से क्यों बोल रही हूँ चल रहा है लाइव यहाँ पे एम सी क्यूज का टेस्ट होगा एम सी क्यूज का डेथ हाँ, हो रहा है लाइव मैंने अपने फ़ोन पे चेक कर लिया और मैं फ़ोन भी साइलेंट कर देती हूँ अपना चलो अनालस स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट इग्नोरिंग कोर्ट ऑर्डर से सी जी आई तो हमें पता है कि सी जी आई प्लस सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ अदर हाई कोर्ट्स की पहले तो कॉन्फ्रेंस हुई है ठीक है ना हमने डिस्कस कर लिया ये और फिर उसके बाद क्या हुई है चीफ जस्टिस ऑफ अदर कोर्ट प्लस जो स्टेट्स के सी होते हैं चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी भी कॉन्फ्रेंस हुई है ठीक है ना ये बहुत पुराने अर्से से ये कॉन्फ्रेंस होती हुई आ रही है और हो रही है कॉन्फ्रेंस ठीक है द शी डिफाइंस ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट्स टुवर्ड जुडिशियल प्रनाउंसमेंट्स देयर इंकलनेशन टू पास ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग टू कोर्ट्स एंड वो क्या कह रहे हैं क्या कम्प्लेंट है चीफ जस्टिस की कि जो गवर्नमेंट है वो उनके ऑर्डर्स जो वो बोल रहे हैं वो फॉलो नहीं कर रही है ठीक है ना और जो लेजिस्लेचर है वो जो लॉ मेकिंग कर रही है वो किस पे डिपेंड हो रही है लॉ मेकिंग का जो पार्ट है वो किस पे डिपेंड हो रही है जुडिशरी पे ठीक है ना देयर इंकलेशन टू पास ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कह रहे हैं कि लॉ अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको समझने का आप पता होनी चाहिए कि लेजिस्लेचर का, का काम क्या है कहीं पर जगह नहीं है क्या यहाँ पे देखो लेजिस्लेचर का, का काम क्या है चर का काम क्या है लेजिस्लेचर का काम है टू मेक लॉज। क्या काम है टू मेक लॉज। ठीक है ना और हमारा जुडिशरी का काम क्या है टू इंटरप्रेट लॉज। टू इंटरप्रेट लॉज। इंटरप्रेट मतलब उनका मीनिंग निकालना कि ये क्या कह रहे हैं ठीक है बट अब जुडिशरी क्या करने लगी है वो कह रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर है उसका काम है लॉ बनाना बट कहीं ना कहीं जुडिशरी लॉ बनाने का काम करी है ठीक है ना तो इनका इशारा किस चीज़ की तरफ है इनका इशारा कहीं ना कहीं वो तरफ है कि जो बिना आर्ग्यू बिना डिस्कशन के बिल्स पास हो जाते हैं उनके ऊपर ये लाइट थ्रो कर रहे हैं जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है लैक ऑफ फोरसाइट एंड पब्लिक कंसल्टेसन बिफोर मेकिंग लॉज हैव लेट टू डॉकट एक्सप्लोशन तो वो क्या कह रहे हैं दो रीज़न्स वो कह रहे हैं पब्लिक से कंसल्टेशन होनी चाहिए जब आप कोई लॉ लेकर आ रहे हो एंड लैक ऑफ फोर्थ साइट ठीक है ना कि आप देखो कि फ्यूचर क्या चाहता है ठीक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना सेड अब हमें इसके अंदर कुछ याद करने की ज़रूरत है अगर आप लॉ uh, बैकग्राउंड से हो तो दो चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है कि उन्होंने बोला कि जो डिसीजन मेकिंग है कोर्ट्स पे वो लेजिस्लेचर जो है वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है और वो क्या लैक कर रहे हैं वो फोरसाइट और पब्लिक कंसल्टेशन बाकी सबको कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिसज एंड चीफ मिनिस्टर्स अटेंडिंग बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द है पॉइंट्स टू हाउ कोर्ट्स हैड टू डील विद द न्यू प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टेम्प पटिशन कंटेम्प्टीशन क्या होता है अभी आपको समझना ज़रूरी है देखिए कंटेंप्ट क्या होता है अब मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को कि हाँ तुम्हारी गलती है तुम रुपी सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ इसको दे दो ठीक है ना कुछ भी रिटर्न कर दो ये दे दो ठीक है ना जो गवर्नमेंट है उसने बोला भाई मैं तो नहीं देती गवर्नमेंट कहती मैं तो नहीं देती तो अब जो ए है जिसको सिक्सटी थाउजेंड मिलना है और गवर्नमेंट दे नहीं रही है तो ए क्या करेगा ए कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट को क्या बोलेगा कि देखो तुमने गवर्नमेंट को बोला कि मुझे सिक्सटी थाउजेंड दो बट गवर्नमेंट मुझे दे नहीं रही है ठीक है तो ये क्या होता है इस ऐसे पटिशन में जब कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हैं कोई भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते चाहे गवर्नमेंट है चाहे इंडिविजुअल है तो ऐसे ही कोर्ट में जाते हैं जब उस पटिशन को उस केस को क्या कहते हैं कंटेम्प्ट ठीक है ना तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कोर्ट्स हैड टू डील विद न्यू प्रॉब्लम ऑफ कंटेम्प पिटिस्ट ट्रिगेट बाय द डेलिब्रेट इन एक्शन ऑफ गवर्नमेंट्स दैट चूज टू इग्नोर जजमेंट्स एंड ऑर्डर द कंटेम्पन् न्यू कैटेगरी ऑफ बर्डन ऑन द कोर्ट्स विच इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द डिफाइंस बाय द गवर्मेंट वो कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती है तो इसलिए नंबर ऑफ केसेज बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग कंटेम्प पिटिशंस फाइल करते हैं राइट पी एम फॉर द यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेजेस इन कोर्ट the government was working to draft laws not only in sound legal terminology but also in pop popular language that makes it easy for citizens to understand the law prime minister narendra modi said to wahan pe kya kaha ki easy language ke jo law hota hai wo easy language mein ho aur kya ho local languages mein ho local languages में हो तो so, उसके ऊपर जो हमारे Chief Justice of India उन्होंने क्या कहा उन्होंने जो problem जताई उन्होंने कहा that uh, Chief मिनिस्टर्स uh, उन्होंने कहा यहाँ पर दैट नियरली थ्री लैख यहाँ पे नहीं एक प्रॉब्लम उन्होंने बताया आई थिंक आगे है तो उन्होंने जो प्रॉब्लम डिस्कस की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्होंने बोला है कि देखो चीफ जस्टिस जो होगा हाई कोर्ट्स का वो तो उसकी लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि उसको वो लैंग्वेज समझ में आए ठीक है ना और हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके अंदर कि आप लोकल लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाओ तो ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जब जज इसको समझ ही नहीं आएगा कि वो बोल गया लैंग्वेज भी पढ़नी आएगी तो कैसे होगा ठीक है तो ये प्रॉब्लम है फिर उन्होंने बोला नियरली थ्री एंड a हाफ लैक under trials were इन जेल फॉर पिटी offences एंड अपील टू द चीफ ministers एंड चीफ justices टू गिव priority तो नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि थ्री एंड अ हाफ लैक अंडर ट्रायल्स अंडर ट्रायल्स कौन होते हैं कि अभी उनका ट्रायल पूरा नहीं हुआ ठीक है मान लीजिए ए है ठीक है ना ए जो है यहाँ पे करते हैं ए है ठीक है ना ए जो है उसके ऊपर वो क्या है अक्यूज है अक्यूज कौन होता है कि शक है शायद शायद इसने ऑफेंस कमिट किया है शायद इसने क्राइम कमिट किया है ठीक है ना अक्यूज वो होता है ठीक है अभी प्रूफ नहीं हुआ है तो ए अक्यूज है अब ए अक्यूज है मर्ड पिटी ऑफेंसेस हो गया मान लो थेफ्ट का ठीक है ना थेफ्ट का अक्यूज है अब उसको जेल में डाल दिया ठीक है अब वो जेल में ही बैठा है थेफ्ट के लिए थेफ्ट मतलब छोटा मोटा थेफ्ट किया पिटी ऑफेंसेस होते हैं मतलब जो छोटे मोटे अंडर ट्रायल मतलब ट्रायल ट्रायल का मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद जो होता है कोर्ट में जाके पुलिस बताती है देखो जी इसने ये किया वो किया ठीक है अंडर ट्रायल मतलब अभी ट्रायल जो है कोर्ट के आगे जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पूरी नहीं हुई हैं तो ऐसे थ्री एंड हाफ लाख लोग हैं जो जेल्स में बैठे हैं वो पिटी ऑफेंसेस पिटी मतलब छोटे मोटे पिटी मतलब छोटे मोटे क्राइम्स मतलब ऐसे लिख लो छोटे मोटे पिटी का मतलब होता है छोटा मोटा लाइक स्मॉल थिंग्स स्मॉल थिंग्स अगर हिंदी में नहीं लिखना है तो ठीक है तो ये बातचीत हुई आपस में प्राइम मिनिस्टर की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चलो आगे चलते हैं आज न्यूज़ बहुत ही कम है बहुत ही कम न्यूज़ है आज ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं आज हम्म चलो 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 आज कुछ भी अच्छा नहीं आया न्यूज़ पेपर में तो ये अलग सी न्यूज़ है असम टू मार्क हंड्रेड इयर्स ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इन स्टेट ठीक है तो हमें याद रखना है कि हंड्रेड इयर्स ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कौन मार्क कर रहा है कौन इसको चल क्यों नहीं ये है? हैंग हो गई स्क्रीन अब मैं क्या करूं क्यों हैंग हुई है यार अब चल बढ़िया लोग नहा रहे हैं पानी में <laughs> स्क्रीन हैंग हो रखी है दो तो मिनट रुक जाओ उसको ज्यादा मैंने ऊपर ऊपर कर दिया ना तो वो तो हैंग ही हो गई है टू मिनट हम्म कुछ दिनों बाद इसको मेरे लैपटॉप को थोड़ा हो जाता है तो दिखाना होता है याद दिलाना होता है कि मैं भी नाइनटीन ट्वेंटी तो असाम जो है वो हंड्रेड इयर्स ऑफ क्या मना रहा है मार्क हंड्रेड इयर्स ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जर् स्पोर्ट्स न्यूज़ की मतलब जर्नलिज्म मतलब न्यूज़ जो न्यूज़ बताते हैं ठीक है ना वो मार्क कर रहा है तो नाइनटीन ट्वेंटी थ्री स्टोरी ऑन अ थ्री डे सॉकर इवेंट इन ईस्टर्न असाम सेवास सागर हैज़ बिकम द रीज़न फॉर सेलिब्रेटिंग देंरी ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इन दिस स्टेट तो ये नोट कर लो कि हंड्रेड ईयर्स ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कौन से कौन सी स्टेट सेलिब्रेट करिए असम ठीक है ये क्वेश्चन आ सकता है नाउ असमिया अ वीकली मैगजीन पब्लिश बाय चंद्र कुमार अग्रवाल और नेटिव ऑफ़ राजस्थान हैड कैरिड अ डिस्क्रिप्टिव स्टोरी ऑन अ सीरीज़ ऑफ़ फुटबॉल मैचेस बिटवीन सिबसागर टाउन क्लब एंड सिबसागर हाई स्कूल इन द इशू द टू टीम्स हैड शेयर द ऑनर्स एट द एंड तो ये नाम याद रख लो किसने पब्लिश किया था कौन सी मैगजीन का नाम था Agarwala, related to the iconic Assamese poet and musician Jyoti Prasad, Agarwala first published Assamia from Deeprughra in 1918 and then from Guwahati in 1923 it it took more than 7 decades for sports uh, sports journalism to find space in news weekly weeklies in assam and stepping into the 100th year of the publication of the first piece of sports news which set the trend calls for celebration assam sports journalist association said theek hai na but humein ye assam have in sports journalism ko 100 saal mana rahe teams report kiya kisne report kiya tha magazine news okay, हमें यह तो बताइए कल हमने पढ़ा था कि खालिस्तान ख़ालिस्तान के साथ इशू हो गया है ख़ालिस्तान की स्पेलिंग हाँ इट इज़ नॉट एच खालिस्तान की स्पेलिंग ये है तो ख़ालिस्तानी इसके साथ इशू हो गया तो ख़ालिस्तान क्या है वो एक ऐसा ग्रुप है जो चाहते हैं कि जो पंजाब की स्टेट है वो सिख लोगों को मतलब उनकी अलग से सेपरेट स्टेट बना देनी चाहिए फॉर सिख पीपल सिख कम्युनिटी ठीक है ना जैसे पाकिस्तान मुस्लिम्स का स्टेट बन गया वैसे खालिस्तान सिख कम्युनिटी को अलग से स्टेट बना के दे देना चाहिए तो पटियाला के अंदर ये यू नो क्लाशेज हुए हैं तो आपको पटियाला नाम याद रखना है जनरल मनोज पांडे अरे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब ये क्वेश्चन ना आएगा आए ही आएगा तो रट्टा मार लो अब कौन बन गया जनरल मनोज पांडे ऑन सैटरडे टुक चार्ज आज तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है सबसे पहले हमें याद रखना है कि उनका नाम क्या है ठीक है ना कौन किन्ों लिया है जनरल मनोज पांडे चलो लिखो यहाँ पे मुझे हाँ जनरल मनोज पांडे पांडे जी बन गए पांडे विदाउट वाई ओनली ठीक है टुक चार्ज एज ट्वेंटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ठीक है तो पहले कौन थे मनोज नरावने तो मनोज मनोज तो सेम है अब पांडे आ गए हैं पहले कौन थे नरावने ठीक है बस ये याद रखना है ठीक है चलिए पी एम फॉर यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेज इन द कोर्ट्स तो ये पढ़ रहे थे आई वुड अपील टू ऑल ऑफ देम टू गिव प्रायोरिटी टू दीज मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ तो ये क्या है कौन से मैटर्स को जो थ्री एंड अ हाफ अंडर ट्रायल्स हैं पिटी ऑफेंसेस के उनको वो कह रहे हैं कि आप क्या दो प्रायोरिटी दो ठीक है ना नाउ टू uh, क्योंकि अभी प्रूफ भी नहीं हुआ है कि उन्होंने एक ऑफेंस कमिट किया है और हमने उनको जेल में रखा हुआ है विच इज नॉट राइट ठीक है टू डिजिटल डिलीवरी ऑफ जस्टिस सिस्टम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिएशन एंड हिज़ गवर्नमेंट्स एफर्ट टू इम्प्रूव जुडिशियल स्ट्रेंथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो क्या कह रहे हैं कि डिजिटल डिलीवरी ऑफ जस्टिस होनी चाहिए ठीक है ना मीडिएशन मीडिएशन मतलब आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ठीक है बट वो जो ऑर्डर होगा वो मतलब जस्टिसबल uh, uh, होगा जस्टिसबल uh, नहीं मतलब वो कोर्ट के अंदर फाइनालिटी uh, होगा जैसे कोर्ट एक ऑर्डर दे देती है वैसे मीडिएशन में कॉम्प्रोमाइज़ होता है दोनों पार्टीज़ को बिठाकर समझाया जाता है उनकी बातें सुनी जाती हैं इन ट्वेंटी फिफ्टीन वी आइडेंटिफाइड अबाउट एटीन हंड्रेड लॉज अब एक और बात हो रही है ऑब्सलेट और इ लॉज वो कहते हैं जो इेलीवेंट लॉज है उनको खत्म करना चाहिए ये भी बोला गया ठीक है तो बस ये हमें पता होना चाहिए इसमें से नोट कुछ नहीं करना है पता हमें होना चाहिए कि जो मीटिंग थी वो हुई है ठीक है मतलब कॉन्फ्रेंस हुई है एक मिनट इसको सी एम जो श्योर सी जी आई रमना ऑफ बेटर कोर्ट सिक्योरिटी तो ये अगेन वो कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है ठीक है सी एम्स अशोर सी जे रमना बेटो कोर्ट सिक्योरिटीज चीफ जस्टिस ऑफ वेरियस स्टेट्स ऑन सैटरडे अशोर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड वी रमना दट सिक्योरिटी एट कोर्ट कॉम्पलेक्सेज इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वुड बी इम्प्रूव्ड इन द लाइन्स ऑफ टू टायर टीयर सिक्योरिटी सिस्टम फॉलोड इन जम्मू एंड कश्मीर बट देर वॉज नो कंसेंस ऑन नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी देखिए ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आती है क्या दो नोट कर लो नेशनल जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर थॉरिटी और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनती है एन जे आई ए तो ये क्या है देखो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ठीक है ना एन वी रमना उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ले डाउन किया और वो क्या चाहते हैं वो चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमें जितने हमें कोर्ट रूम्स चाहिए उतने कोर्ट रूम्स नहीं बने हुए हैं ठीक है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो कोर्ट्स का वो इम्प्रूव होना चाहिए दैट शुड भी इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स शुड भी इम्प्रूव नंबर वन एंड नंबर टू वो ये बोल रहे हैं कि डिजिटल ठीक है ना अब जैसे कोविड आ गया तो एकदम से सारे के सारे कोर्ट जो थे वो बंद करने पड़े डिजिट डिज, डिजिटल लाइज कुछ भी इतना ज्यादा नहीं हुआ था तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी विच इज़ नॉट राइट तो जो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कह रहे हैं कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी लेकर आओ जो कि सेंट्रल लेवल पे हो और स्टेट लेवल पर भी ये अथॉरिटीज होनी चाहिए ठीक है ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ध्यान रखें ठीक है सच ओ बॉडी वुड बी क्रिएटेड एट द स्टेट लेवल वे द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट अलॉन्ग द चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट वुड डिसाइड द इफ्रास्ट्रक्चर तो क्या होगा एक होगा स्टेट लेवल पे भी ये बॉडी बनेगी तो उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं तो एक तो चीफ मिनिस्टर होंगे पर्टिकुलर स्टेट का और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट का ध्यान रखेंगे ठीक है ना बट अभी इसके ऊपर कुछ ज्यादा बातचीत नहीं हुई है या इसको इतने अप्रूवल नहीं मिले बट अभी ये बस इसकी बातचीत हो रही है बहुत सारी स्पीचेज में इसकी बातचीत होती रहती है ठीक है एड्रेसिंग अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विद लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू आफ्टर अ डे लॉन्ग डेलीब्रेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिसज द सीजे ऑल्सो पॉइंटेड आउट द बॉटल एक्स इन यूजिंग रीजनल लैंग्वेज इन द कोर्ट ठीक है ना जो ये मैं पहले बात कर रही थी कि रीजनल लैंग्वेज क्यों नहीं यूज़ कर सकते रीजनल लैंग्वेज इसलिए नहीं यूज़ कर सकते वो बोल रहे हैं चलिए पढ़ लेते हैं बोथ जस्टिस रमना एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड स्पोकन अबाउट यूजिंग लोकल लैंग्वेजेस इन कोर्ट ड्यूरिंग द इनागुरल सेशन तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर Justice Ramana said sometimes uh, some of the judges are not familiar with the local language, and the Chief Justice of a High Court will always be from outside. The CJ said a full bench of the Supreme Court in 2014 had rejected a plea to use local language in courts, but the de uh, debate resurfaced as Tamil Nadu raised the issue of using regional language in judicial proceedings. We do not have the technologies of systems or systems where the entire records have to be translated to local language or from local language to English. The logistic support is the biggest problem. We cannot implement reform in one day. I think it will happen only over a period of time. So, Unanga ki over a period of time. आई थिंक दैट इज़ राइट बिकॉज जब आपको ट्रांसलेसन करना होता है बहुत टाइम लगता है आई मीन डिले होता है इवन एडवोकेट्स के लिए इट इज़ नॉट ईजी कि आप एक लैंग्वेज से दूसरे बिकॉज कोर्ट तो कह देती है आप हर चीज़ हर डॉक्यूमेंट इंग्लिश में देना है ठीक है ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रांसलेशन ही करते रह जाते हो आप हीट वेवस आर स्टेयरिंग अर्लियर दैन बिफोर तो डब्ल्यू एच ओ कह रहा है कि जो हीट वेव हैं जो इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है एस लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सपीरियंस करोचिंग मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रॉचिंग मतलब वेरी मच ठीक है बहुत ज्यादा गर्मी स्क्रॉचिंग हीट ठीक है स्पेशलाइज एजेंसी ऑन वेदर हैज सेट ए बाई इट इज प्रीमियचोर टू एट्रीब्यूट द एक्सट्रीम हीट इन द टू कंट्रीज ओनली टू क्लाइमेट चेंज इट इज़ कंसिस्टेंट विद अ चेंजिंग क्लाइमेट विद हीट विद स्टार्टिंग ऑलियर दैन पास द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन सैट अब इसमें कुछ भी इन्होंने ना तो कोई सर्वे किया ना कुछ और बस ये ऐसे ही ज्ञान बांट रहे हैं और अभी नोट करने की जरूरत है अब ये जो इम्पॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रॉस ग्रीन ये इम्पॉर्टेंट है सर्वे ग्रॉस ग्रीन वायलेश इन सुंदरबंस सी ए जी तो ये पढ़ लेते हैं रिसेंट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया जर्नल हैज़ पॉइंटड आउट इ लीगल कंस्ट्रक्शन एंड वायलेन्स ऑफ इवायरमेंट नॉम्स इन टू रामसर साइड्स इन वेस्ट बंगाल द ईस्ट कोलकाता वेटलैंड एंड द सुंदरमन ठीक है ना तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वेट लैंड की न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आजकल जितने भी हम पेपर देखते हैं ना उसमें इवायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ को बहुत इम्पॉटेंस देने लगी है पहले इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती थी बट इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ अब इम्पॉर्टेंट है हावर सच वायलेशन इवन इन दी फ्रजाइल इकोलॉजिकली फ्रोजाइल फ्रोजाइल मतलब कमजोर वीक ठीक है व रियली फाउंड टू हैव बीन पेनालाइज्ड ऑन अ कपल ऑफ रेयर ओकेजन्स दे वर डन इट वॉज इन कम्प्लाइज विद कोलकाता हाई कोर्ट और ये हमने नोट नहीं करना वो कह रहे हैं कि बहुत कम होता है कि ऐसे लोगों को पनिश किया जाता है जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं Uh, the report has made uh, has uh, made public in the last report was made public in the last week of march march before the west bengal uh, assembly the ekw a unique peri urban uh, ecosystem that lies in the eastern fringes of kolkata

गाज इन साउथ ट्वेंटी फोर पैरागर्न डिस्ट्रिक्ट इंडिया कोस्ट गार्ड अप्लाइड सेप्टेम्बर ट्वेंटी सेवनटीन फॉर सेटिंग अप अ होवरक्राफ्ट स्टेशन इन तो वो कहते हैं कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ठीक है ना उन्होंने अप्लाई किया था कि वहाँ पे वो बिल्डिंग और बहुत कुछ करेंगे नोटिफिकेशन डिसअ अलाउस कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स इन द नो डेवलपमेंट जोन सी आर जेड क्लियरेंसेज बाई द वेस्ट बंगाल स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वॉज अगेंस्ट द नोटिफिकेशन ठीक है तो ये वाला बात नोट कर लो कि ये जो है ये मतलब ये अगेंस्ट द नोटिफिकेशन है द सी ए जी रिपोर्ट हैज़ हाईलाइटेड सीरियस वॉलेशन ऑफ सी आर जेड नॉम्स इन द सुंदरबर्न पर्टिकुलरली फॉर एन ईको टूरिज्म प्रोजेक्ट एट झारखंडी द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन अक्टूबर ट्वेंटी फोटीन अ प्रोजेक्ट ऑफ एन इको टोरिजम आफ्टर क्लियरिंग सिक्सटी नाइन हेक्टर्स ऑफ मैन ग्रूव इवन द रिवर चैनल ब्रीडिंग प्लेस ऑफ रॉकोडाइज वॉज क्लेम्ड बाई द प्रोजेक्ट विच इज़ नॉट गुड मैन ये भी नोट कर लो यार इन्वायरमेंट की बात लगाने पर लगे हुए हैं ये लोग और फिर कहते गर्मी है इन्वेस्ट राजस्थान समिट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्ट राजस्थान टारगेट रुपीज टेन लाख करोड़ आउटले तो ये तो हेडलाइन तो इंपॉर्टेंट है ही इसको नोट कर लो द इन्वेस्ट राजस्थान ट्वेंटी ट्वेंटी टू समिट टू बर्गनाइज हेयर इन अक्टूबर दिस ईयर विल टारगेट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज टेन लाख करोड़ इंटू टू फ्लो इंटू द स्टेट द मिनिस्टर पॉइंटेड आउट दट अ डेडिकेटेड वेब पोर्टल राज निवेश हैज बीन स्टार्टेड टू एनेबल द इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल टू गेट ऑल नेसेसरी परमिशन थ्रो अ सिंगल विंडो विदाआउट एनी हैसल्स हैसल मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के हैसल फ्री ठीक है ना कहते हैं इट वॉज हैसिल फ्री चेक इन जब एयरपोर्ट पर जाते हैं सामान देते हैं टिकट वो आप वो यू नो सीट नंबर बताते हैं बोर्डिंग पास देते हैं तो हम कहते हैंसिल फ्री मतलब कुछ ज़्यादा मतलब तंग नहीं किया उन्होंने बड़े आराम से हमें सब कुछ कर कर आके दे दिया हैसिल हैसिल फ्री ठीक है तो हमें क्या याद रखना है एक तो ये वाला पॉइंट याद रखना है कितने रुपये राजस्थान की इन्वेस्ट राजस्थान सबमिट हो रही है ठीक है और वेबसाइट कौन सी है राज निवेश ठीक है ना ओके इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है चलो आगे चलें किम थिएटर्स प्रियमटि ये वाली इतनी वो नहीं है क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं फिर भी पढ़ लेते हैं आज ना न्यूज़पेपर में कुछ ज़्यादा नहीं आया मतलब बहुत ही कम इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है चाहे शायद संडे को सभी चल मार रहे थे <laughs> बट दो तीन न्यूज़ है वो पढ़ लो उसके बाद छुट्टी आज बहुत जल्दी छुट्टी हो जाएगी अगर मेरी स्क्रीन चल पड़े चल पड़ भाई चल पड़ ऐसा मत करो और पाँच बजे कौन कौन आ रहा है चलो इतनी बात ही मान लेते हैं दो मिनट अभी क्या टाइम हो रहा है अभी तो थ्री फोर्टी वन हुआ है दी टाइमिंग यही रहेगी जानवी पांडे रहे। नहीं यार टाइमिंग फ़िक्स करना है अभी अभी टाइमिंग इसलिए फ़िक्स नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज़ अभी स्टूडियो के अंदर बैठ कर हम नहीं कर आ, मतलब लाइव नहीं कर सकते हैं बिकॉज लाइट चली गई तो लाइव हो जाएगा बिकॉज अब सबसे पहला काम रहेगा कि मेरे को जो स्टूडियो का यू नो बैकअप होना बहुत ज़रूरी है तो इन्वर्टर लगेगा वहाँ पे एंड जब इन्वर्टर लग जाएगा तो फिर मुझे मतलब फिर बना जा आ, मतलब कर सकते हो जल्दी ठीक है तो प्लीज़ थोड़ा सा वो कर लो ये क्यों नहीं चल रहा है मतलब इसको तो जस्ट अ मिनट गाइस बस एक मिनट कर रही हूं मैं इसका भी सीन सेट मैं हूं लाइव एक मिनट बस न्यूज पेपर वो कर लू जस्ट अः अबुआ आगे आगे आ गया आ आ आ गया, आ गया, आ गया। चलो पहले ये पढ़ लेते हैं हम तो हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा था कि आ, गुजरात के अंदर ये एक एम पी गुजरात के आई विल कम एट फाइव पीएम, ओके तो गुजरात के एम पी कैसे होंगे गुजरात के एम एल ए होंगे मतलब तुम लोग करेक्ट नहीं करते हो मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ही पड़ेगा क्या तुम लोगों ने यार हो जा मतलब दोबारा चला गया न्यूज़पेपर भैया आ जाओ दीदी मेरा कमेंट देख लो एक बार दीदी टाइमिंग यही रहेंगे दीदी मैंने जनवरी से क्लाथ की प्रिपरेशन स्टार्ट की है करंट अफेयर्स कवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्या प्रॉब्लम हो रही है क्यों नहीं पढ़ सकते हो करंट अफ़ेयर्स बताओ देखो यार करंट अफेयर्स अगर तुम्हें लगता है ना करंट अफेयर्स आर अ केक वॉक देन यू आर मिस्टेकन वेरी मच मिस्टेकन ठीक है ना दे आर नॉट अ केक वॉक थोड़े डिफिकल्टी तो आएगी समझने में कि क्या है क्या नहीं ठीक है तो वो समझ लिया तो इट वुड बी गुड ठीक है बस मुझे गुस्सा टेढ़ा गुस्सा चलो यार मैं तुम्हें एक काम करूं एक मिनट जाओ मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर खोला हुआ है अपने दूसरे लैपटॉप पे वो मैं खोलती हूँ और फिर तुम्हें बता देती हूँ 19 हाँ तो दलित यंग ट्रंक टर्क ठीक है तो यहाँ पे जब तक नहीं खुलता तो मैंने अपनी दूसरी स्क्रीन पे खोला हुआ है एंड आई एल टेल यू व्हाट इज़ द न्यूज़ ठीक है तो आ, दलित आ, जो यंग ट्रंक है इन पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है तो मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए द फोर्टी वन ईयर ओल्ड जिग्नेश मेवानी तो फोर्टी वन ईयर्स ओल्ड जगनेश जिग्नेश मवानी जो हैं फोर्टी वन ईयर्स ओल्ड जो जिग्नेश मेवानी जो हैं है, एक मिनट रुको मैं तुम्हें आज पता कैसे पढ़ाती हूँ Power Point में पढ़ा दूँ, ये तो चल नहीं रहा, इसको ना चलने दो। आज तो मैं न्यूज़पेपर कंप्लीट करवा के भेजूँगी एक बारे में, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे नोट साथ साथ में, तो मेवानी, मेवानी, जिग्नेश एक मिनट रुको बस दो मिनट दे दो अब अब हमारे पास प्लेन स्क्रीन आ गए तो इसके अंदर एक आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में आया है, वो है जिग्नेश मेवानी का तो जिग्नेश मेवानी के बारे में वो क्या बोल रहे हैं जिग्नेश मेवानी जो है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट दलित वो हैं एक्टिविस्ट हैं ठीक है तो आ, इनको अरेस्ट कर लिया गया इनको अरेस्ट क्यों किया गया इन्होंने एक ट्वीट करी थी नरेंद्र मोदी को लेकर और गॉड से को लेकर जिन्होंने गॉड से वो हैं जिन जिन्होंने महात्मा गांधी को कम यू नो उनको गोली मारी थी असेसिनेट किया था उनको ठीक है ना तो वो ही सब जिग्नेश मेवानी इज़ अ प्रोमिनेंट लीडर और ट्व, ट्वीट की वजह से अरेस्ट किया था और ये न्यूज़ में इसलिए थे बिकॉज़ ये गुजरात के अंदर यू नो गुजरात के एम हैं एम एल ए हैं एम पी मैं बार बार एम पी को बोल रही हूँ एम एल ए है वहाँ पर एंड बट उनको अरेस्ट किया गया अरेस्टेड बाई आ पुलिस ठीक है असाम पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया ठीक है तो ही वॉज़ इन न्यूज़ एंड फिर क्या हुआ ये दोबारा अरेस्ट इनको एक केस तो इनका ट्वीट था कि नरेंद्र मोदी और गॉडसे के बारे में कुछ इन्होंने ट्वीट करा ठीक है दूसरा केस इनके ऊपर क्या लगा दिया मिसबिहेवियर मिसबिव मिसबिविद पुलिस वुमेन पुलिस ठीक है ना तो फिर उसके बाद कोर्ट ने बोला कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो झूठे मूठे केसेस लगा सकते हो एंड ऑल तो द लोकल कोर्ट इन असाम वाइल ग्रांटिंग हिम बेल इन द सेकंड केस हैज़ कम डाउन हैवीली ऑन द पुलिस फॉर फॉइस्टिंग द फॉल्स केस अगेंस्ट हिम ठीक है ना उनका कि गलत केसेस जो ये बिहेवियर विद पुलिस है तो बिल्कुल ही गलत केस है और आपने सही नहीं किया है ठीक है ना इन 2016 ही हॉग्ड हेडलाइंस व्हेन द स्पीयर अ मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ राइट्स ऑफ शेड्यूल कास्टिंग ड्राइव तो अब ये फेमस कहाँ से हुए 2016 के अंदर इन्होंने क्या किया था इन मूवमेंट चलाई थी टू सपोर्ट मूवमेंट टू सपोर्ट दलित ऑफ गुजरात ठीक है ना ये मूवमेंट चलाई थी उन्होंने तो जब ये मूवमेंट चलाई तो उसके अंदर इन्होंने यू नो गुजरात फॉलोइंग द पब्लिक टॉर्चर एंड फ्लॉकिंग ऑफ दलित इन यूनाबी सेल्फ प्रोकलेम्ड काओ विजिलेंस ठीक है ना तो किस किस लिए चलाई थी बिकॉज दलित पे हमले हो रहे थे कौन कर रहा था काओ विगलेंस तो काओ विगलेंट कौन होते हैं जो काओ को बचाने के लिए दूसरों को तंग करते हैं मारते हैं या कुछ तो इसलिए दे स्टार्टेड ड्यूरिंग द कैंपेन ही डिमांडेड दैट एवरी उसके बाद इन्होंने क्या डिमांडेड 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 एवरी लैंड लेस दलित एवरी जिनके पास लैंड नहीं है लैंड लेस दलित शुड बी गिवन फाइव एकर्स ऑफ लैंड ठीक है ना उसके बाद ये बहुत फेमस हो गया फाइट फॉर लाइक हिल्स एंड इलेक्शन एंड फिर ये एम एल ए बने ठीक है ना एम एल ए फ्राम वडगाव ये इम्पोर्टेंट एम एल ए फ्रॉम वडगांव गुजरात अब यहाँ से हमें क्या चीज़ें याद करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ एक मिनट रुको यहाँ से आपको जिग्नेश मेवानी ट्वीट किया था नरेंद्र मोदी और गौड्छे के बारे में ठीक है अरेस्ट किया है तो गुजरात के एम एल वडगाम से वी ए डी जी ए एम ठीक है ना बट इनको अरेस्ट किसने किया असम पुलिस ने किया 2016 में इन्होंने मूवमेंट चलाई मूवमेंट टू सपोर्ट डलट्स ऑफ गुजरात काव विजिलेंट डिमांडेड अर्ली लैंडलेस डिमांडेड एवरी दलित लैंड शुड बी गिवन फाइव एकर्स ऑफ लैंड और अब ये कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी हैं ठीक है ना और बीच में इन्होंने आप ज्वाइन करी थी एंड फिर उसके बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली ठीक है ना तो इनके बारे में हम पता है ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी आज और उसके बाद बहुत कम न्यूज़ इम्पॉर्टेंट आज हाँ एक रिसर्च करी जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जो बूस्टर डोज है वो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है बट उन्होंने अभी इसके डिटेल्स नहीं दिए हैं कि किसने वो रिसर्च करी क्या है तो इतनी इम्पॉर्टेंट वो नहीं है तो उसको भी हम छोड़ रहे हैं अब हमारे लिए यहाँ पर जो न्यूज़ है हमने ये पहले पढ़ ली मतलब है न्यूज़ मतलब रेपटेशन है बट फिर भी आप एक बार नाम नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए मैं आपको यहाँ पे ही नाम नोट करवा देती हूँ ठीक है ना एक मिनट मुझे आ, स्क्रीन पे थोड़ा खाली कर ले लीजिए हमजा हमजा शहबाज सन ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एज इलेक्टेड एज द सी एम ऑफ पंजाब सी एम ऑफ पंजाब मतलब जो पाकिस्तान में पंजाब है उनके सी एम कौन बन गए हमजा शहबाज देखो शहबाज शहबाज बी कॉमन एक शरीफ़ है और एक हमज़ा है ठीक है ना तो हमजा शरीफ और शहबाज शे, हमजा शहबाज़ और शहबाज शरीफ ठीक है ना ये नाम याद रखने बिकॉज ही इज़ द सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई पूछ ले तो आपको चाहिए ठीक है उसके बाद हाँ हम पढ़ रहे थे किम थ्रेटन्स प्रियमटिव यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स तो किम कौन है ठीक है नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं किम जॉन यून तो ये आपको तो पता होना चाहिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक मिनट फटाफट से ठीक है एक मिनट बस सॉरी आज का न्यूज़पेपर हम ऐसे पढ़ रहे हैं प्रॉब्बली कल से ऐसा नहीं होगा बस कभी कभी मेरे कंप्यूटर का मूड चेंज हो जाता है तो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं क्या है उनका नाम नॉर्थ कोरिया के लीडर का नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं उनका नाम है किम जोंग उन ठीक है ना किम जोंग उन ये पता कैसे याद करो किम तो याद हो जाएगा जॉक करते हैं ये बट ये बहुत मोटे हैं तो जॉक तो क्या करते हैं फनी वे में हाँ नहीं करते फिर ये उनो खेलते हैं बैठकर कर या यूएन का कहना तो भी ये बिल्कुल नहीं मानते तो नॉर्थ कोरिया के अंदर है किम जोंग उन ये डिक्टेटर है दैट द नॉर्थ कोड प्री यूज़ इट्स न्यूक्लियर वेपन्स इफ थ्रेटन एज ही प्रेज़ हिज टॉप आर्मी ऑफिशर्स फॉर अ मैसिव मिलिट्री परेड इन द कैपिटल प्योंग इन दिस वीक फॉर्म विल टू कंटिन्यू डिवेलपिंग हिज न्यूक्लियर आर्म्ड मिल्ट्री सो दैट इट के तो वो कह रहा है कि मैं यू you नो know, ये जो अभी चल रहा है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के अंदर यू के भी कुछ मिल्ट्री एक्टिविटीज़ हुई हैं तो उसकी वजह से भी ये थोड़ा मतलब इरीटेट हो रखा है और कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज़ कर सकता हूँ ये न्यू इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है ठीक है और हमने सारा पढ़ लिया इनवाइस राजस्थान तो आज के लिए इतना ही गाइस आई एम सॉरी फॉर द लिटिल ब्रेक दैट केम इन बट आज की न्यूज़ इतनी है कुछ ज़्यादा न्यूज़पेपर में था नही। नहीं।, नहीं 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 एक मिनट बस एक न्यूज़ और रह गई रियल मेड्रिड रियल मैड्रिड मैड्रिड एक मिनट यार मुझे स्पेलिंग देखने दो रियल मैड्रिड ठीक है जो है उसको रोम्स होम थर्टी वो, वो जीत गई है थर्टी फर्स्ट एल ए लीगा टाइटल, ये एक फुटबॉल फुट टीम है ठीक है ना ये नोट करना है बस हमें ओके कूल इतना ही है ठीक है तो पाँच बजे मिलते हैं फाइव ओ मिलते हैं हम आ, सभी ठीक है और बढ़िया से हम आ, मतलब एम सॉल्व करेंगे ठीक है ओके बाय ठीक है कल मिलते हैं छः बजे फॉर श्योर